नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। आपने अक्सर देखा होगा कि स्टार्स ग्लैमर की दुनिया से निकलकर पॉलिटिक्स में जाते रहते हैं। जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस वक्त हर तरफ उथल पुथल मची हुई है। अब लीजिए एक खबर आ रही है कि आपकी अंगूरी भाभी यानी कि शिल्पा शिंदे भी जल्द ही राजनीति में एंट्री करने वाली हैं। खबरों के मुताबिक बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शिल्पा शिंदे को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और जल्द ही मुंबई से उनके चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह ने भी इस बात का खुलासा किया है कि शिल्पा शिंदे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि शिल्पा शिंदे कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और उनके मुताबिक पार्टी के आला कमान ये भी तय करेंगे कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल शिल्पा शिंदे महिलाओं को संगठित करने का काम करेंगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार भी करेंगी। ऐसे में साफ है कि जल्द ही शिल्पा पॉलिटिक्स में एंट्री कर रही हैं। बता दें कि पिछले साल ही शिल्पा शिंदे बिग बॉस सीजन 11 में नजर आई थी। इस शो को शिल्पा ने ही जीता था। आपको बता दें अंगूरी भाभी यानी कि शिल्पा शिंदे इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में आ चुकी हैं। जी हां, इससे पहले शिल्पा अपने ट्विटर अकाउंट को डिलीट करने की वजह से सुर्खियों में आई थी। शिल्पा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना खूब पसंद करती थी। शिल्पा ट्विटर पर आए दिन कुछ न कुछ ट्वीट करती ही रहती थी, लेकिन अचानक से एक चौंकाने वाली खबर आई जिसमें पता चला कि शिल्पा ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया था। शिल्पा ने सोशल मीडिया को खतरनाक जगह बताते हुए कहा था कि मैंने ये फैसला इस वजह से लिया है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ये पता चला था कि सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा अनसेफ जगह है। साथ ही उन्होंने कहा था कि मेरे फैंस मुझे लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं। जब कोई मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात करता है या फिर मुझे ट्रोल करता है तो वो परेशान हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत से लोग मैसेज भी करते हैं और मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं हूं। वहीं महाराष्ट्र की रहने वाली शिल्पा शिंदे ने अपना टेलीविजन करियर साल 1999 में शुरू किया था। उन्होंने भाभी जी घर पर हैं में अंगूरी भाभी का किरदार निभाने के बाद सबका दिल जीत लिया था। बीते दिनों ही खबर आई थी कि शिल्पा जल्द ही यूलिया वंतूर की फिल्म राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला में नजर आएंगी। शिल्पा ने बताया कि फिल्म में उनका रोल काफी अहम है और उन्हें ये रोल सलमान खान की वजह से मिला है। फिलहाल अब पॉलिटिक्स में अंगूरी भाभी क्या कमाल दिखाती हैं, ये तो देखना होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कर जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।